तो बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। देखो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की टू साइड्स को आप डायमीटर बना लेते हैं, मतलब इन दोनों साइड्स को आप डायमीटर बना लेते हैं, एक तो इसको और एक इसको, और आप टू सर्कल्स यहां पे ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो दोनों सर्कल्स होंगे, ये जो दोनों सर्कल्स होंगे, ये दोनों सर्कल इस थर्ड साइड के ऊपर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम करते क्या है बच्चों, हम इस ट्राइंगल की केवल टू साइड्स क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक साइड हो जाएगी इसकी ए बी और एक हो जाएगी बच्चों ए सी। अभी हमने इसकी थर्ड साइड ड्रॉ नहीं की है। क्लियर? हम इस ट्राइंगल की टू साइड्स को डायामीटर मान के हम फर्स्ट वन सर्कल ड्रॉ करते हैं, अब एसी को डायामीटर बना के हम लोग सेकंड सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो सर्कल हैं एक दूसरे को एक पॉइंट डी पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बात आपको अभी सॉल्यूशन में लिखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टू साइड्स को डायामीटर मान के आप क्या करेंगे, टू सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स बाय टेकिंग टू साइड्स ए बी एंड ए सी एज डायामीटर विच इंटरसेक्ट एट डी। तो यहां पर हमने टू सर्कल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं और ये दोनों सर्कल क्या करते हैं, एक दूसरे को डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। नाउ अभी आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप लोगों को इस डी पॉइंट को ज्वाइन करना है बी से और ज्वाइन करना है सी से। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, मैंने डी को बी एंड सी से ज्वाइन किया है और इसी डी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है ए पॉइंट से। तो आपको क्या करना है बच्चों, ज्वाइन करना है डी टू ए बी एंड सी, इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे इसको। क्लियर बात है? देखो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम डायरेक्ट भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट थ्योरम भी कह सकते हैं आप इसे। और वो थ्योरम देखो क्या है बच्चों कि अगर आप कोई एंगल सेमी सर्कल में सबटेंड कराते हैं तो ये जो एंगल होता है आपका ये 90 डिग्री होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये एक आर्क है, ये सेंटर पे 180 बनाती है तो यहां 90 ही बनाएगी। क्लियर बात है? तो देखो बच्चों ये डायामीटर है ना, अगर मैं इसको सेंटर ओ मानूं और इसको ओ डैश, तो ये डायामीटर है ना, इसका मतलब ये जो एंगल आप देख रहे हो वन, ये राइट एंगल में सबटेंड होता है, सॉरी सेमी सर्कल में सबटेंड होता है, और ये वाला एंगल भी सेमी सर्कल में सबटेंड होता है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, ये 90 डिग्री है। तो यहां पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल देयरफोर आपका एंगल वन भी सेमी सर्कल में सबटेंड होता है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और एंगल वन यहां सबटेंड होता है, तो एंगल वन विल बी 90 डिग्री। और आपका एंगल टू भी सेमी सर्कल में सबटेंड होता है, आपका एंगल टू भी कितना हो जाएगा भाई, ये भी आपका
90 डिग्री हो जाएगा, और इन दोनों का रीजन हमने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, तो ब्रैकेट में बार बार लिखने की इसको नीड नहीं है। अगर यहां नहीं लिखोगे तो फिर यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर? कोई इशू नहीं है। अगर मैं इधर देखना बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 1 प्लस 2 आएगा और 90 प्लस 90 आएगा। इट मींस दैट, इधर देखना बच्चों, आपको पता है एंगल 1 प्लस 2 एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल BDC, ये बन जाएगा बच्चों एंगल BDC, और कितना हो जाएगा ये? अगर ये 180 डिग्री है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इट इंप्लाइज दैट BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये इसकी थर्ड साइड भी है ट्राइंगल की। क्लियर बात है ना भाई? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही तो क्या बोलोगे आप? थर्ड साइड बोलोगे। इट इंप्लाइज दैट BC इज थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। इट इंप्लाइज दैट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ बोथ दी सर्कल्स लाई ऑन दी थर्ड साइड, लाई ऑन दी थर्ड साइड ऑफ दी ट्राइंगल, वो ट्राइंगल की थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। और यही बात आपको क्या करनी थी बच्चों? प्रूफ करनी थी कि ये थर्ड साइड के ऊपर लाई करता है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। प्रूफ दैट एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो बच्चों, आपको बोला गया है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है जिनकी हाइपोटेनस कॉमन है। इसका मतलब उन दोनों की जो हाइपोटेनस है वो एक ही साइड है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि एक साइड होगी AC जो दो अलग अलग ट्राइंगल की हाइपोटेनस है, और एक ट्राइंगल इसमें से कौन है? ABC, और एक है ADC। तो एक काम करते हैं, ABC ऊपर बना देते हैं, ये 90 डिग्री होगा, और ADC नीचे बना देते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूफ करो कि CAD CBD के इक्वल है। अभी देख लेंगे उसको भी, ठीक है ना? CAD एंगल कहां होगा बताना जरा। CAD, अच्छा एक एंगल तो ये है और सेकंड एंगल है CBD। CBD मतलब अभी एक लाइन यहां से ऐसे ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये कोई बात नहीं, हो गई ये भी ज्वाइन। तो ये दो एंगल हैं CBD जो आपको क्या करने हैं? इक्वल प्रूफ करने हैं। देखो इसके लिए करना क्या है आप लोगों, सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो, आपको ये बताया गया था ना अभी कि ये दोनों एंगल कितने हैं? 90-90 डिग्री हैं, ये बताया गया था ना अभी। तो अगर मैं इस हाइपोटेनस को डायामीटर बना लूं और इसके सेंटर पॉइंट पे कंपास रखूं और यहां से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करूं तो नो डाउट वो चारों पॉइंट से पास होगा। पता है क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल है, राइट एंगल ऑलवेज सबटेंड इन द सेमी सर्कल। अगर ये राइट एंगल है तो ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे, और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ए बी सी डी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बनेगा, बाकी आप और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भाई आप लोगों का सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, आप एसी को डायामीटर बनाएंगे और एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ए बी सी डी सबसे पास होगा। एसी को डायामीटर बनाएंगे और एक सर्कल आप लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे जो ए बी सी डी सबसे पास होगा,
और ये सबसे पास होगा, इस बात के लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम लोग सिंस अ राइट एंगल ऑलवेज सबटेंड इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि एक राइट एंगल ऑलवेज सेमी सर्कल में सबटेंड करता है। देयरफॉर इफ वी कंस्ट्रक्ट, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल बाय टेकिंग एसी एज डायामीटर, एसी को डायामीटर मान के अगर आप सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन इट विल ऑलवेज बी पासिस थ्रू व्हाट बी एंड डी। तो ये बी एंड डी से भी क्या होगा, पास होगा। भाई एसी से तो होगा ही, साथ में बी एंड डी से भी पास हो गया, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट करा दिया। नाउ अब आपको प्रूफ क्या करना था, आपको ये दोनों एंगल प्रूफ करते ना, इक्वल ये तो हो गए। कैसे, ये आर्क देख रहे हो आप, सेम आर्क इधर एंगल बनाती है और सेम आर्क, देखो भाई ध्यान से, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एंगल, इधर ध्यान दो, एंगल सी ए डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल सी बी डी। बस यहां पे रीजन लिखना है, एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो जो एंगल होगा वो सेम सेगमेंट में सबटेंड होंगे, दैट्स वाई ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एसी को डायमीटर मान के आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है सर्कल, और वो सर्कल आपके ए बी सी डी सभी पॉइंट से पास होगा, और उस कंडीशन में ये जो दोनों एंगल आपको प्रूफ करने थे वो सेम सेगमेंट में लाई करते थे, दैट्स वाई दे आर इक्वल। फाइन, क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अभी डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। स्पीडली नोट डाउन करो, तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो जब ये कह रहा है आपसे कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो बनाएंगे भी एक सर्कल के अंदर, प्रूफ क्या करना है, रेक्टेंगल, इसका मतलब बनाएंगे रेक्टेंगल, कंसीडर करेंगे एज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक सर्कल, और ये हमने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले गिवन, तो गिवन है बच्चों ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, टू प्रूव वी नीड टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखो अगर किसी पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल दिखाना है ना, तो आप उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री दिखा दो, सिंगल एंगल 90 डिग्री दिखाने से भी ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और चारों दिखाना चाहो तो चारों भी दिखा सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल कैसे होते हैं,
90 डिग्री होते हैं, क्लियर बात है। तो 90 डिग्री दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान देना सब लोग। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज करो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। आप इन दोनों को इक्वेशन वन मान लो और मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके अपोजिट एंगल है बी एंड डी और ए एंड सी। बात समझ में आ गई, तो यहां रीजन लिख देते हैं, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अब इसमें साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, अपोजिट का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे भाई, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब आपको पता है ए एंड सी दोनों इक्वल है, या तो दोनों को सी बना दो या दोनों को ए बना दो, तो एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री हो जाएगा। यहां पे आपने यूटिलाइज क्या किया है भाई, इक्वेशन वन को यूज किया आपने यहां पे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए 180 डिग्री, एंगल ए 180 बाय 2, एंगल ए 90 डिग्री। मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी एक एंगल को भी आपने 90 कर दिया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो क्वाड्रिलेटरल के चारों मैंडेटरी होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम का एक मैंडेटरी होता है, बाकी अगर आप सारे लिखना चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो आप, सिमिलरली बी भी 90, सी भी 90 और डी भी 90। बाकी यहां से आप एक स्टेटमेंट लिख दो तो मेरे ख्याल से सफिशियंट है, सिंस वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज राइट एंगल, देयरफॉर ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर बात है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 के साथ कंप्लीट हुई। क्लियर बात है।